देखिए, ये फिल्म को के मेन सूत्रधार हैं राजन लुथरा जी, जो NRI हैं, अमेरिका बेस्ड हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने जब उनको एक फीलिंग आया कि मुझे कुछ समाज के लिए करना, ऐसी ही उनमें एनलाइटमेंट आई और उन्होंने इस फिल्म को कंसीव करके बनाया। मिस्टर मनीष जी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो इस कंपनी के CEO हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये कंपनी LA बेस्ड है, LA में इनका ऑफिस है। कल इस फिल्म का बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में भी किया गया और ये अंग्रेजी में बनी है, बट इस फिल्म को अमेरिका, UK और इंडिया में इंग्लिश में रिलीज़ किया जा रहा है 8 मार्च को, और हम लोग उसको 8 मार्च को सब जगह थिएटर में पहुंचाने के कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। बट अभी दिल्ली, UP, पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे टेरिटरी में ये रिलीज़ हो रही है और बेंगलोर लग रही है, अभी तक आज तक की एक हफ्ता है, देखते हैं क्या होता है। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन से मैं जुड़ा और उन्होंने मुझे बोला कि क्रिएटिवली इस प्रोजेक्ट को देखो आप, और उसके बाद मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये समझ में आई, ये फिल्म जो है इट इज़ हॉवरिंग अराउंड द ह्यूमनिज्म बेसिकली, और अगर आप में ह्यूमनिज्म है तभी आप अच्छे हिंदू हैं, तभी अच्छे मुस्लिम हैं, तभी अच्छे सिख हैं, ईसाई हैं, कटिंग क्रॉस द रिलीजन। तो इस फिल्म का यही है कि वननेस जो है, पूरी दुनिया वननेस में तब्दील हो सकती है, और जब वननेस होगा तो दुनिया जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे जा सकती है और प्रोग्रेशन की तरफ जा सकती है। इस फिल्म का क्रक्स यही है, और जो कम्युनलिज्म या सेक्टरलिज्म, जो पैराकोलिज्म जो आज हमारी सोसाइटी में है, वो ह्यूमनिज्म के वननेस से ही ख़त्म हो सकता है। यही मिस्टर राजन लुथरा का कंसेप्ट भी है और उन्होंने इस फिल्म में वही करने की कोशिश की। इसकी 80% शूटिंग जो हुई है अमेरिका में हुई है, 20% शूट जो है यहाँ इंडिया में हुई है। तो हम लोगों ने दोनों जगह की फिल्म को लेकर के इसको एडिट किया यहाँ पे, और सारा काम में इस फिल्म में 7 मंथ्स, इसमें इस 6 मंथ्स हम इसमें जुड़े रहे। दिस इज़ ऑल अबाउट द फिल्म। आपसे जानना चाहूँगा, आप तो शुरुआत से जुड़े इस फिल्म के साथ में, थोड़ा सा अगर उनकी जर्नी के बारे में बताए कि कैसे थॉट प्रोसेस आया कि इस तरह के टॉपिक के ऊपर, इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाना चाहिए और मतलब इतनी अच्छी फिल्म निकल के जी। अब मैं राजन लुथरा सर से 2 साल से नहीं, करीबन 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो उस टाइप के इंसान हैं जिन्होंने हमेशा सबको एक जैसा देखा, जो इसमें भी मूवी में भी आपको दिखेगा वननेस। तो 16 साल से उनका यही ड्रीम रहा है कि हम सारे एक हैं और हमें एक बन के ही रहना चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में 16 साल से चल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, जो उन्होंने काम करना शुरू करीबन 7 साल पहले किया, जबकि उन्होंने हर रिलीजियस लोकेशन पे इंडिया में, अमेरिका में गए और वहाँ पर देखा कि मैं किस चीज़ को इस मूवी में लेके आ सकता हूँ ताकि ये मूवी और ज़िंदा दिल लगे, और ज़िंदा लगे। तो इस मूवी पे आप मानेंगे नहीं कि हर लोकेशन पे वो कैमरामैन लेके या सबको लेके खुद चले हैं और इस मूवी का डायरेक्शन प्रोडक्शन खुद किया है। वो तभी एक इंसान कर सकता है जब वो इंसान खुद अपने अंदर के भगवान को देख चुका है, वही कर सकता है। क्योंकि इस मूवी के में बहुत ही क्लियर एक चीज़ बताई गई है कि अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें भगवान, खुदा, यीशु मसीह दिखाई देंगे, और उसी पे वो दिमाग में लेके चले हैं। और उस इस मूवी का इन्होंने स्टार्टिंग आप मान लीजिए करीबन 2000 के करीब में किया था, 2008 में। उसके बाद फिर कोविड आया और बाकी चीज़ें आई, वॉर्स हुई, तो वो सबसे वो थोड़े से आप ये समझ लीजिए कि बहुत नाखुश हुए कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने फिर फाइनली इस मूवी को आप ये कह सकते हैं जन्म दिया और मूवी पर काम करना शुरू किया। वो ऐसे ही किस्म के इंसान हैं जो आप मूवी में देखेंगे उनको, बिकॉज वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी, एक्टर भी हैं, वो असली ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं। तो उन्होंने अब एक्चुअली मूवी में उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज वट एवर द टाइप ऑफ पर्सन ही इज़, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मूवी, वही मूवी में है। तो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको 90% ये दिखाई देगा कि राजन लुथरा जो है इंसान, वो ऐसा ही है असली ज़िंदगी में भी और पर्दे भी। तो
बस उनका ये मकसद है कि ये मूवी जब मार्केट में जाएगी तो दुनिया इसको देखे, और अगर देखने के बाद 1% पब्लिक भी ये जान पाए कि या उस पर अमल करे कि हम सारे एक हैं और हमें एकजुट होके काम करना है, लड़ाइयाँ छोड़नी है, झगड़े नहीं करने हैं, तो आई थिंक उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ये उनके बारे में और नहीं। मैंने उनसे ज़्यादा शांत इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि मैं इससे पहले एविएशन से जुड़ा था तो भाग दौड़ हमेशा मची रही, लेकिन वो इस टाइप के इंसान हैं जो हमेशा एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि इंसान को शांत रहना चाहिए, शांत स्वभाव से रहना चाहिए। उनको कभी मैंने मतलब उनका एक एनजीओ भी है, और आप लोगों की जानकारी के लिए इसका जो भी प्रॉफिट आएगा मूवी का, अगर आता है, जब भी आता है, जितना भी आता है, उसका 50% एनजीओ को जाएगा, जो हेल्थ फाउंडेशन करके है, उनकी अपनी एनजीओ है। और आप इससे सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कम इस पे मूवी पे लगाया, उससे उनको कोई मकसद नहीं है, बस ये चाहते हैं कि वो गरीबों की मदद करें। वो इस टाइप के इंसान हैं, और आप मानेंगे नहीं, उनकी फाउंडेशन करीबन 14 साल से चल रही है और उसका बैंक का खाता तक अभी नहीं बना है, जबकि उन्होंने दिल्ली जैसी जगह में, केशवपुरम और कुछ जगहों पर इतने बच्चों की और गरीबों की रेलवे ट्रैक्स के आसपास बहुत मदद की है। तो वो ऐसे इंसान हैं जो मतलब बहुत ही ठंडे स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, और हमेशा उन्होंने बोला कि भगवान एक है, खुदा एक है, और इसी बात का प्रचार वो इस मूवी में भी करते हैं। आल्सो टॉकिंग अबाउट फिल्म, जो है जैसे आपने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन क्या और भी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फिल्म मल्टी लैंग्वेज में बनाई गई है, बट पहले इंग्लिश वर्जन आ रहा है। इसके बाद प्लान के हिसाब से 17 अप्रैल को बंगाली के अंदर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश रिलीज की जाएगी, तमिल में है, फिर तेलुगू में, एंड में रामनवमी पे हिंदी वर्जन इसका रिलीज होगा। ये पांचों लैंग्वेजेस में फिल्म आएगी आफ्टर सम गैप। सब्जेक्ट वही है, बट टारगेट वो उस तरह की ऑडियंस, पहले इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, फिर उसको करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा यूनिवर्सल है, आप कहीं भी बैठ के देखोगे आपको लगेगा हाँ ये मेरे आसपास इस तरह की चीज़ें हो रही है, ये सारा हो रहा है, तो इट कनेक्ट्स विद एवरी ह्यूमन बीइंग। देखिए जी, मुझे 6 महीने पहले अचानक राजन जी, हमारा विजय जी का स्टूडियो है पीछे पोस्ट हाउस, जिनका भी इस फिल्म में बहुत बड़ा योगदान है, और अब पोस्ट उनके वहाँ हुआ है, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा, नहीं मैं उस दिन अमेरिका में था, मुझे फ़ोन आया, कहते जी वो राजन जी से आपको मिलना है, तो मैंने कहा मेरी रात को तो फ्लाइट है तो नहीं मिल सके। अल्टीमेटली 1 महीने बाद यहाँ मुलाकात हुई और वो सिलसिला चला, ये फिल्म बना रहे हैं, शूटिंग करेंगे। तो अभी 20-25 दिन पहले डिसाइड हुआ कि फिल्म को रिलीज़ करना है, उस दिन से हमने इस पर काम करना शुरू किया। अभी तक इसकी 3-4 सिटीज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है, और आगे भी काफ़ी जगह इसकी पब्लिसिटी, अब आज फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे सब जगह पब्लिश हो जाएगी। वैसे तो फिल्म बहुत सीरियस सब्जेक्ट पे है, लेकिन क्या सॉन्ग भी देखने मिलेंगे? कोई सॉन्ग, एक गाना है जो भी आपको दिखाएंगे, बाकी वो गाना भी आप कह सकते हैं स्टोरी का हिस्सा ही है, वो कोई ऐसा कॉमर्शियल आप सोचे कोई डांस आइटम वो नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअली गाना है, और अभी थोड़ी देर में एंड में आपको दिखाते हैं। मोहित गाना दिखाना एंड में, वो भी वननेस राजन जी ने ही गाया है अपनी आवाज में, और वो भी वननेस के लिए, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, जैसे राकेश जी ने बताया। हाँ। वो भी एक स्टोरी का हिस्सा ही है, जिस चीज़ पे उन्होंने पूरी स्टोरी बना मूवी बनाई है उसी के ऊपर, बेस्ड ऑन दैट ओनली इज द सॉन्ग। देखिए जी, इंग्लिश में ये फिल्म अभी रिलीज हो रही है और नेपाल में नेपाली में रिलीज हो रही है, तो दोनों जगह मिला के करीब 100 सिनेमा के अंदर अंदर ये फिल्म लगाई जाएगी, क्योंकि आज फ्राइडे, आपको अच्छे से पता है, इतनी एडवांस सिनेमा का मालूम नहीं पड़ता, बट अप्रॉक्सीमेट यही कैलकुलेशन है, 20-25 सिनेमा नेपाली में लगेंगे, बाकी इंग्लिश चैनल में यहाँ लगेंगे। मैं बस अपनी तरफ से और राजन जी की तरफ से, जो यहाँ नहीं है उनकी तरफ से, यही बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जाके ये मूवी देखिए। इसमें कोई ऐसे हमारी स्टार कास्ट नहीं है जो आप लोग देखते आए हैं, लेकिन ये फॉर श्योर है कि इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हमारे जो वर्किंग क्लास है, सीनियर सिटीजन्स हैं, आर्मी वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म फर्टर्निटी वाले हैं, कोई भी हैं, एवरीबडी विल गो एंड टेक समथिंग होम। ऐसा नहीं होगा कि वो बस देखेंगे और एक कमर्शियल मूवी की तरह कुछ देख के घर चले जाएंगे, बट दे विल हैव समथिंग टू थिंक अबाउट, उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड जो आजकल सॉरी मार्केट में थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज ऑफ हमारी जो मतलब रेस है वो इतनी तेज़ हो गई है,
तो उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा जितनी देर वो मूवी चलेगी, तो वो घर एक पीस ऑफ माइंड लेके जाएंगे जो आज की डेट में थोड़ा सा मिलना कम। तो ये बस गुजारिश है लोगों से कि आप प्लीज़ अपने पास के मूवी थिएटर्स में जाएं और ये मूवी देखें, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा सा डेफिनेटली ये सोचने में मजबूर करेगा कि हमारे अंदर भगवान खुदा है, बस उनको थोड़ा सा ढूंढना जरूरी है। दैट्स इट, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द सोल सर्चिंग, थैंक यू, सोल सर्चिंग फिल्म, एंड इट इज हॉवरिंग अराउंड द वननेस, एकता। तो मुझे तो, मैं तो लगता हूँ इस फिल्म के थिएटर के बाद मेरा इतना सजेशन है, मैं राजन सिंह से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इस फिल्म को मास में जाके दिखाना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स ए लॉट ऑफ एजुकेशन। ये आदमी को जोड़ता है। आज जो हमारे देश में, हमारे समाज में या दुनिया में जो वार हो रहा है या ह्यू एंड क्राई हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, पैरोकियल रिलीजन, वो रिलीजन है ही नहीं, और उसी की चर्चा कि वो रिलीजन नहीं है, रिलीजन आपके अंदर है, गॉड आपके अंदर है, सोल सर्च की करेंगे, देन यू विल गेट वननेस, और तब दुनिया जो है दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल प्रोग्रेशन के स्टेज पे जाएगा। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि थिएटर के अभी भी इस फिल्म को दिखाना चाहिए। एज मिस्टर सत्या सेड, एंड दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर राजन इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, वी विल बी ट्राइंग टू शो इट इन मास, बिकॉज हो सकता है हम कुछ दूर दराज के गाँव या विलेजेस में या कस्बों में नहीं पहुँच पाए। So our target is that everyone in even a smallest of the villages is able to see this movie. Even for that, if we have to go and, you know, show it in public, even in villages, we will try and do that. After the movie is released in theaters and of course on OTT platforms, after that our target is till at least next 6 months we'll try and do that also. So that's been definitely true. So oneness is a mission. Yeah. It's a mission, and it is being perpetuated by Mr. Rajan Luthra. Absolutely. और राजन जी ने इस फिल्म को बनाते बनाते अपना जो बिजनेस था वो बिल्कुल रुक गए हैं, वो सिर्फ अब इस समाज की सेवा करना चाहते हैं, और इसलिए फिल्म बनाई है। इट्स नॉट फॉर बिजनेस, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, के लोगों को एक एनलाइटमेंट हो, उनमें एक जागरूकता आए, और मुझे लगता है कि एक राइट मैसेज है, बट ऑडियंस आनी चाहिए। और आप लोगों का सबसे बड़ा काम है ऑडियंस को बताना कि आप लोग इस सिनेमा में जाके ये फिल्म देखिए। He is into real estate, he is into investments, he is into aviation. So everything has come on a halt. It has come to a halt right now. And his main focus right now is to get this movie